नमस्कार, मैं पूजा। एससीजी ग्रुप की सहायता से इनमेट ट्रैवल प्रस्तुत हेल्थ टॉक इस विशेष शो में मैं फिर से एक बार आप सभी का मनपूर्वक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है कैंसर बैटल ऑफ इंडिया, और इस विषय में आज हमें सविस्तर मार्गदर्शन करने वाले हैं डॉक्टर श्याम श्रीवास्तव जी। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपसे कराती हूँ, फिर हम आज के चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो डॉक्टर श्याम श्रीवास्तव जी जो है वो सीनियर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है, और डॉक्टर को इस क्षेत्र का 35 साल से ज़्यादा का अनुभव भी है। डॉक्टर ने MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर से MBBS और MD रेडिएशन थेरेपी जो है वो अपनी कंप्लीट की है। ऐसे डॉक्टर श्याम श्रीवास्तव जी आज हमारे साथ हैं। डॉक्टर से चर्चा करते हैं, डॉक्टर का स्वागत करते हैं और आज के विषय की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर, सबसे पहले हमारे इस शो में आपका मनपूर्वक स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज ये मुझे मौका दिया कि मैं आपके और सभी श्रोताओं दर्शकों के बीच आ सकूं। जी, जैसे पिछले समय सर हमने बात की थी, पिछले शो में हमने बात की थी कि एक डॉक्टर कैसा होना चाहिए। पेशेंट जब भी डॉक्टर के पास अपेक्षाएं अपनी लेके आता है तो डॉक्टर भी उसे कैसे ट्रीट करता है, और उस पेशेंट को भी डॉक्टर की भावना जो है वो किस तरह से समझनी चाहिए, इस हर एक बारे में मुझे लगता है आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पिछले एपिसोड में दी थी। तो आज मेरा सबसे पहले सवाल आपसे है, ये है कि आप एक कैंसर विशेषज्ञ हैं, और कहा जाता है कि कैंसर पेशेंट को जब भी डॉक्टर हैंडल करता है तभी वो अकेला डॉक्टर नहीं होता, उसके साथ उसकी पूरी टीम होती है। तो ये पूरे टीम की एक्चुअली क्या भूमिका होती है एक कैंसर पेशेंट को हैंडल करने के लिए, इस बारे में डॉक्टर क्या बताएंगे सबसे पहले हम? धन्यवाद। आई थिंक ये मैं सोचता हूँ कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बहुतों को के मन में ये रहता होगा कि डॉक्टर का क्या महत्व है, डॉक्टर के साथ कौन रहता है, और डॉक्टर का दरअसल देखा जाए तो क्या काम है। तो मैं हमेशा मान के चलता हूँ कि डॉक्टर का काम ये नहीं है कि बीमारी को ही ठीक करना है। डॉक्टर का काम होता है स्वस्थ रखना हर किसी को। तो अगर आपने पुराने ज़माने में देखा होगा तो वहाँ एक डॉक्टर चाचा एक कॉलोनी में हुआ करते थे और डॉक्टर अंकल कहते थे। तो वो खाली इसलिए नहीं कि बीमारी का इलाज करें, लेकिन बीमारी से कैसे बचा जाए इसका भी पूरा ध्यान रखना चाहिए उसके लिए। इसलिए आप अगर आप देखते हैं तो हमारे जो देश में अगर जो मिनिस्ट्री है उसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ डिजीज नहीं है, उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका मतलब है कि आपको स्वस्थ रहना है। तो डॉक्टर का सबसे पहला काम होता है कि कैसे स्वस्थ रखा जाए, और इसलिए आवश्यक होता है कि इसके लिए एक पूरी की पूरी टीम यानी कि पूरे एक साथ में होना चाहिए जो हर किसी एंगल जिसको कहते हैं हर किसी परिप्रेक्ष्य में देखे कि क्या क्या करना है। तो सबसे पहले जो कहलाता है इसको हम कहते हैं प्रिवेंशन, यानी कि बीमारी के रोकथाम। कोई बीमार होना ही नहीं चाहिए कायदे से। अगर आपके जगह पर डॉक्टर हैं तो उनका पहला कर्तव्य होता है कोई बीमार होना। और मैं चूंकि कैंसर का हूं और कैंसर एक भयावह बीमारी मानी जाती है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कैंसर ना हो तो सबसे अच्छी बात है। तो हमारे यहाँ जब देखते हैं कि दो चीज़ें मैं देखता हूँ इसके अंदर, कि जैसे कि एक तो कैंसर ना हो उसके लिए, तो कई जगह आपने देखे होंगे कि वहाँ के कैंसर प्रिवेंशन नाम का विभाग भी होता है। तो आप जाइए वहां पर, क्या हो सकता है। जैसे कि मान ली कोई बहुत तंबाकू खाता है वो जाए, तो वो जाकर के कहेंगे नहीं नहीं तंबाकू से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कुछ एक बीमारियां ऐसी हैं जिनके की जो लक्षण है वो बड़ी ही प्रारंभिक अवस्था में अगर पकड़ लिए जाए तो रोग पूरी तरह से ठीक हो सकता है। वो रोगी रोगी नहीं रहेगा, एक मनुष्य आया साधारण, उसको संभावना बहुत ज्यादा है या बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में है, तो उसको हम कहते हैं अर्ली डिटेक्शन। तो ये तो पहला काम है डॉक्टरों का जो देखना है, और कैंसर के बारे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अर्ली डिटेक्शन कर सकें। क्योंकि जिन देशों में कई बीमारी जो हमारे यहाँ भी बहुत प्रचुर मात्रा में देखी जाती हैं, अगर उनका प्रिवेंशन अर्ली डायग्नोस कर लिया तो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, और जो भी है चाहे वो पुरुष हो महिला हो वो समाज में वापस जा करके अपना पूरा दायित्व तो निभा सकते हैं। तो ये बात महत्वपूर्ण बात है। तो इसके लिए हमारे यहाँ प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट होता है जो कि ये देखता है, तो जिसमें कि लगता है कि कैंसर की संभावना हो तो उन्हें वहाँ जाना चाहिए और वो उसकी जांच कराना चाहिए। तो वो देखेंगे कि वाकई इनके कैंसर की संभावना है,
अब एक उदाहरण के तौर पर देखता हूँ कि जैसे कि आज हमको पता है कि जो स्तन का कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, ये पारिवारिक अनुवांशिक हो सकता है। यानी कि अगर जैसे माँ को अगर ब्रेस्ट कैंसर है, उसके अंदर वो जीन है जो कि जिनको BRCA1 BRCA2 कहते हैं, तो उनकी बेटियाँ हों या उनकी बहन हों, तो वो जा करके वहाँ दिखाएं, उनकी जांच होगी। अगर संभावना है कि कैंसर हो सकता है, तो कम से कम वो रेगुलर फॉलोअप जिसको कहते हैं, उसमें प्रारंभिक अवस्था पकड़े जा सकते हैं और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए कैंसर हो गया, तो भी ये टीम काम करती है। और ये अगर आप टीम देखते हैं, तो कैंसर का इलाज मुख्यतः तीन तरह से होता है। जैसे कि ऑपरेशन के द्वारा, जिसे हम सर्जिकल ऑन्कोलॉजी कहते हैं, रेडिएशन के द्वारा, जिसे हम रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग कहते हैं, और या फिर मेडिकल ऑन्कोलॉजी, जिसे हम कीमोथेरेपी देते हैं। तो ये तो तीन तो विशेषज्ञ हो गए जो कि डॉक्टर रहते हैं। इसके साथ में आप अगर देखेंगे, तो जैसे मैं मुख्यतः अगर उदाहरण देता हूँ कि चाहे वो सर्जरी हो, रेडिएशन हो, मेडिकल, उसमें नर्सेस का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि वो पूरी तरह से देखती हैं। डॉक्टर का शायद थोड़ा कम ही माना जा सकता है, लेकिन नर्सेस पूरी तरह से देखती हैं उसके लिए। उसके साथ में अगर रेडिएशन देखें, तो हमारे यहाँ मेडिकल फिजिसिस्ट होते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं जो कि मशीन को हैंडल करते हैं। उसके साथ में जिसको कि हम सपोर्टिंग स्टाफ कहते हैं, वो रहते हैं जो कि देखते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए। और साथ में जो है, कई बार जो देखते हैं कि जैसे वार्ड बॉय आया, भाई ये है, ये बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि जब मरीज आता है, अगर वो प्यार से उनको बुलाते हैं, तो मरीज का बहुत कुछ अच्छा लगता है। अन्यथा अगर वो थोड़े से, जिनको हम रूड कहते हैं, अगर वो रूड दिख रहे हो, तो मरीज परेशान हो जाता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि ये पूरी टीम एक तरह से, जिसको हम कहते हैं, एक टेंडम में काम करती है। इसके साथ में जो दूसरे लोग हैं, जो कि जिनको कि हम NGOs कहते हैं, वो पूरे अस्पताल में रहते हैं। तो ये बड़ी भारी टीम होती है, कोई छोटी नहीं होती है, जो कि मरीज के लिए पूरे योगदान करती है कि वो बिल्कुल अच्छी तरह हो जाए, और दूसरे वापस जो है वो समाज में जाकर के काम कर सकते हो। जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि कैंसर पेशेंट के लिए किस प्रकार से पूरी टीम जो है वो काम करती है और किस तीन महत्वपूर्ण बातों से ये कैंसर पेशेंट की जांच होती है या फिर किस प्रकार से ये काम करती है, तो मुझे आपसे ये सवाल पूछना है डॉक्टर अभी कि जब भी आपके पास एक पेशेंट आता है, कैंसर पेशेंट आता है, तो बहुत सी बार ऐसे होता है कि बहुत सारी जांच उसे करने के लिए डॉक्टर बताते हैं और फिर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है पेशेंट कि एक्चुअली मुझे आज तो एक टेस्ट बताई थी, आज वापस फिर और दूसरी टेस्ट, वापस तीसरी टेस्ट, तो इसमें वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है पेशेंट। क्या बताएंगे आप ऐसे जो कंफ्यूज पेशेंट आपके पास आते हैं, एक्चुअली आप क्या देख के डिसाइड करते हैं डॉक्टर्स की एक पेशेंट को कौन से टेस्ट की जरूरत है और कौन से अलग-अलग टेस्ट की जरूरत आगे जाके पड़ सकती है? ये बात सही है कि कई बार मरीजों को ये लगता है कि हम कुछ टेस्ट आज बताए हैं, उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर से कुछ और टेस्ट बताए हैं, आगे जा करके कुछ दिनों बाद आते हैं तो हम कहते हैं भाई हम पूरी तरह से डायग्नोस नहीं कर पाए हैं, हम एक और टेस्ट करेंगे। जैसे कि अभी एक्सरे किया है, फिर हम सीटी स्कैन करेंगे, MRI करेंगे, उसको कहेंगे नहीं, आप तो पैट सीटी और कराइएगा। इसका एक कारण है। आपको अगर याद होगा कि हमारे पूर्वज जो हैं, जिनको कहा जाता है, तो वो नाड़ी देख करके किसी चीज़ की जांच करते थे कि भाई आपका क्या बीमारी है, आपको देखा बुखार है या कहीं पर दर्द हो रहा है, इसके साथ में नाड़ी देखते हैं। और अभी बहुत सारे मरीज जो आते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप नाड़ी देख करके बताइएगा। एक ज़माने में हमारे पास कुछ लिमिटेड बीमारियों के बारे में ज्ञान था, यानी कि कुछ ज़्यादा, बहुत बीमारी को ज़्यादा पता नहीं था। हम किसी बीमारी को कहते थे कि ये समझ लें इस कारण से है। पुराने जमाने देखें तो जैसे आयुर्वेद में होता है वात पित्त कफ, ये तीन मुख्य कारण बताए गए हैं। लेकिन धीरे धीरे जब ये मॉडर्न मेडिसिन डेवलप हो रही थी, कि मॉडर्न मेडिसिन में और किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, बेस वहीं पर है, लेकिन क्या हम किसी चीज़ को और ज़्यादा देख सकते हैं? उसका कारण ये है कि मान लीजिए किसी को बुखार आया है, और तो बुखार के हजार कारण हो सकते हैं, तो आप इनको डायग्नोस करना चाहेंगे कैसे होते हैं? कोई एक कारण तो होता नहीं है। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है बीमारी उस क्षेत्र में, उस जगह पे, आप उसको पहले टेस्ट करते हैं। जैसे अब उदाहरण पर लीजिए कि मान लीजिए अगर मैं ऐसे क्षेत्र में रहता हूँ जहाँ पर कि TB या टूबरक्लोसिस या तपेदिक ज़्यादा होता है, तो मेरा जो मुख्य
देखने का रहेगा कि मरीज को कहाँ देखना है, वो मैं तपेदिक के लिए या टीबी के लिए जांच कराऊंगा। लेकिन हो सकता है कि उसमें करीब 60-70% लोग बिल्कुल सही बैठ जाए, लेकिन कुछ लोगों के लिए कुछ और बीमारी होगी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम पहले दिन ही जाकर के सारे टेस्ट करवाओ, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस हो या लेप्रोसी हो या कुछ और बीमारियाँ हो, कैंसर हो। तो हम धीरे धीरे पहुँचते हैं, ये एक प्रक्रिया होती है हर जगह कि आप चाहे खाना बना रहे हैं तो भी उसके अंदर एक प्रक्रिया है, पहले ये मसाले डालना, दूसरा फिर सब्जी काट के डालना, फिर पानी डालना। ये प्रक्रिया आप पहली बार में हर चीज़ नहीं डालते, ऐसा ही हम लोग टेस्ट करते हैं। उसका मुख्य कारण ये भी होता है कि अगर हम सारे टेस्ट पहली बार करा लें तो उसका खर्चा भी बहुत होगा, और कई शायद ऐसे टेस्ट हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होगी, हम उसके पहले डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये होता है, तो मरीज को ये लगता है कि नहीं आज मुझे नहीं कर पाया है, शायद ये डॉक्टर इतना अच्छा नहीं, मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाता। वो नहीं है, उनको देखना चाहिए, उनसे विचार करना चाहिए कि आपने क्या चेक किया है, आज आप किस स्थिति पर पहुँचे हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस। जब हम MBBS में पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले उसको ये सिखाया जाता है कि आपके पास मरीज आया, आपने उसकी फिजिकल जांच की कि उसके अंदर क्या क्या है, कहीं बुखार है कि दर्द है, कहाँ है। उसके बाद आप कुछ कुछ एक डायग्नोसिस बनाएंगे, हो सकता है कि 8-10 डायग्नोसिस बनाएं। फिर आप पहले टेस्ट कराएंगे जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, 2-3 दिन में आपको लगेगा कि नहीं ये नहीं, शायद कुछ है, तो और आप और टेस्ट करें, इसलिए होता है। और अभी जब हम जो आधुनिक पद्धति है उसमें देखते हैं कि हम कुछ आइडेंटिफाई करने लगे हैं कई चीज़ों को, जैसे कि कोई वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जेनेटिक हो सकती है, तो वो एक एक करके जांच कराते हैं जिससे कि हम एक सही निश्चित उस पर पहुँचे बिना किसी ज़्यादा खर्च किए, बिना ज़्यादा समय गंवाए। सो उसमें लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, ना ही इस बात में ज़्यादा डिस्टर्ब होना चाहिए कि ये इतना समय क्यों लग रहा है, क्योंकि वो मरीज के फायदे के लिए ही कर रहा है। जी बिल्कुल, जब भी एक पेशेंट आपके पास आता है डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि अलग अलग प्रकार के टेस्ट उसे दी जाती है और फिर उससे डायग्नोस होता है कि उन्हें एक्चुअली में क्या है, जब ये डिसाइड होता है कि इस पेशेंट को इस प्रकार का खतरा है या फिर इस प्रकार की बीमारी है, उसके बाद शुरू होती है वो उसके इलाज की प्रक्रिया। तो इलाज जब भी उसका चलता है तो इलाज के विषय में निर्णय जो है डॉक्टर के पास से, वो किस प्रकार से लिया जाता है, या फिर डॉक्टर पेशेंट के बारे में इलाज का निर्णय किस तरह से लेता है? देखिए, इलाज का भी जैसा कि मैंने आपको कहा बताया कि जैसे कि किसी भी की बीमारी के निदान के लिए है ना, डायग्नोसिस के लिए एक प्रक्रिया होती है, वैसे चलते हैं, ऐसा ही कैंसर के लिए, कैंसर ही इलाज के लिए भी होता है। जब हम किसी इलाज के लिए सोचते हैं तो उसमें सोचा जाता है कि इसके लिए क्या इलाज करना चाहिए। अब मैं उदाहरण कैंसर का देता हूँ क्योंकि हम लोग कैंसर के बारे में ही ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो कैंसर में अगर हम मान लीजिए इलाज करते हैं तो 3 या 4 मुख्य चीज़ें हैं जिनको की विधाएं हैं जिनको कह सकते हैं जिनके द्वारा इलाज करता है। जैसे कि एक ऑपरेशन है, शल्य क्रिया हो गई, दूसरी है रेडिएशन और कीमोथेरेपी हो गई है। तो अभी क्या होता है कि जब मरीज आता है तो सबसे पहले उसकी जांच करके देखते हैं कि एग्जैक्ट डायग्नोसिस क्या है, हम उस तक पहुँचते हैं पहले। फिर उस डायग्नोसिस के ऊपर उसके लिए सबसे सफल इलाज क्या हो सकता है, ये चर्चा हम सब मिल बैठ करके करते हैं। इसलिए आजकल हमेशा जो कहा जाता है कि हम लोग एक जॉइंट क्लिनिक है, कंबाइंड क्लिनिक करेंगे। कई बार मरीजों को और रोगियों को उस टाइम बुलाते भी हैं जिसमें कि सब लोग इकट्ठे बैठ के उससे चर्चा या विमर्श कर सकते हैं। अन्यथा कई बार पेशेंट के बारे में पूरा डिटेल रहता है हमारे पास कि क्या क्या करना है, और उसके बाद सभी डॉक्टर एक साथ मिल करके उसके बारे में निर्णय करते हैं। अभी सारी विधाएं बहुत उन्नत हो गई है, तो हम अगर कहें तो एक किसी आदमी के बस की बात नहीं है कि इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी रखे। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि आजकल करीब करीब हर विधा के लिए 1.5-2 हज़ार पेज रोज छपते हैं, तो इतना पढ़ना भी संभव नहीं है। तो इसलिए हर जो विशेषज्ञ है वो अपने क्षेत्र में बहुत ही निपुण होता है, तो सब लोग मिलकर के बात करते हैं कि इनको क्या करना चाहिए। अब ये मान लीजिए कि किसी मरीज का इलाज है जो कि ऑपरेशन के दौरान सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, तो वो निर्णय लेते हैं सब लोग मिलकर के आप वो कीजिएगा, या किसी में ऑपरेशन संभव नहीं है, या उसका इलाज जो है रेडिएशन से अच्छा होता है, या फिर ऐसा होता है कि ट्यूमर अभी बड़ा है। जैसे मान लीजिए कि स्तन कैंसर के बारे में मैं उदाहरण दूँ, तो एक बड़ी गांठ है उसको हम छोटी करने के लिए कुछ कीमोथेरेपी देंगे और उसके बाद फिर उसका ऑपरेशन कर सकते हैं,
और आवश्यक हुआ तो रेडिएशन ले सकते। तो ये चर्चा जो है ये ज्वाइंट क्लिनिक में होती है, तो ये निश्चित वहाँ किया जाता है और उसके बाद में फिर मरीजों को बताया जा सकता है कि ये आपके लिए सबसे उचित इलाज हम सोचते हैं, तो ये आवश्यक होता है। और इसमें कई बार एक सीक्वेंस होता है, एक क्रम होता है कि पहले इसको कीमो, फिर उसके रेडिएशन, फिर उसके बाद में उसको सर्जरी करेंगे, वो पहले बताया जाता है मरीजों को। और आज की तारीख में क्या सबसे अच्छा है ये मरीज को बताया जा सकता है। सौभाग्य से, या आप कहें कि दुर्भाग्य भी कह सकते हैं इसको, कि आजकल बड़ा डायनेमिक फील्ड है, हर आदमी कुछ ना कुछ रिसर्च या कुछ ना कुछ शोध कर रहा होता है इन चीज़ों में, हर डॉक्टर। और फिर इनके इलाज पब्लिश होते हैं, उनको देखते हैं, तो आज की तारीख में जो भी अच्छा है वो मरीजों को बताया जा सकता है कि ये इलाज की पद्धति आपके लिए अच्छी है, पहले दूसरे कलर दूसरे तरह का था, आज ये नई पद्धति है। जी, एक बार इलाज चलता है कैंसर पेशेंट का, लेकिन बहुत सी बार ऐसे होता है डॉक्टर की इलाज तो चल गया, डायग्नोस तो हो गया कि ये कैंसर, इस टाइप का कैंसर उस पेशेंट को है, और उसके ऊपर इलाज भी चल गया, लेकिन डॉक्टर बहुत सी बार ऐसा होता है कि कैंसर का जैसे ही पेशेंट नाम सुनता है और उसकी फैमिली जब भी कैंसर हुआ है इस आदमी को ऐसे सुनता है तो पूरी फैमिली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है, और फिर जब भी इलाज का वक्त आता है उस वक्त ऐसे होता है कि कैंसर पेशेंट अकेला नहीं आता उस इलाज के लिए, उसके साथ उसकी पूरी फैमिली या फिर उसका कोई रिश्तेदार या उसका कोई मित्र आ जाता है उनके साथ। तो ऐसे कभी हुआ है क्या कि वो मित्र आपको कुछ बताता है इस बारे में या फिर वो अपने सजेशंस देता है आपको? आपको इतना बड़ा अनुभव है, 35 साल से ज्यादा आपने इसका अनुभव लिया है, ऐसा कोई अनुभव है जो आप दर्शकों से शेयर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये देखिए, जो कैंसर नाम से ही एक बड़ा धक्का लगता है, इसको कहते हैं बड़ी शॉकिंग न्यूज़ होती है। अगर किसी को भी अगर कैंसर के बारे में बताया जाए कि एक किसी को कैंसर हो गया, तो पूरा परिवार इसमें अव्यवस्थित हो जाता है, उसमें कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है। और दुर्भाग्य की बात ये है कि कैंसर का नाम हमेशा तकलीफ या मौत से जोड़ा जाता है, जो कि जो सही नहीं है पूरी तरह से, और इसलिए जो परेशानी होती है वो होती है। और मैं अपनी भारतीय पद्धति को देख करके कहता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि खाली मरीज ही नहीं लेकिन पूरा पूरा परिवार, और एक तरह से कह सकते हैं आप पूरा मोहल्ला या पूरा कह सकते हैं वो उसमें इन्वॉल्व होता है। ये बड़ी हमारी सपोर्टिंग थिंग है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो जो परिवार है या जो हमारे समाज है वो इसमें बहुत बड़ा योगदान देता है, इसलिए बहुत आवश्यक है और ये बहुत अच्छी बात है कि लोग आते हैं। परंतु अब मैं, जैसे आपने कहा कि इतने अनुभव है, तो कई अच्छे भी हैं, कुछ तकलीफदायक भी लगते हैं हमको। साधारणतः क्या होता है कि मरीज आता है, वो तो बेचारा परेशान होता है, वो सिर्फ आपसे वो सुनना चाहता है कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या मुझे अच्छा होना है। वो अगर आप उसको बताते हैं कि इस इलाज से ये परेशानी होगी, वो पूरी तरह से नहीं सुन पाता है उस बात को। तो जो उनके साथ में उनके चाहे रिश्तेदार हो या मित्रगण हो जा रहे हैं, वो डॉक्टरों की पूरी तरह सुने। उसका कारण, एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि डॉक्टर जब बोलता है तो वो कोशिश ये करता है कि मरीज को अच्छी चीज़ें भी बताएं और साथ में वो चीज़ जिसके साथ कभी तकलीफ भी होने वाली है या फिर कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है वो भी बताए, लेकिन वो जिसको हम कहते हैं गार्डेड ओपिनियन, इस तरह से बताता है कि बहुत खराब ना लगे, राइट। अब तकलीफ ये होती है कई बार कि उनके रिश्तेदार आते हैं, और कई बार तो ऐसे भी होते हैं कि कोई नेता आता है साथ में, कोई बड़ा दबंग आदमी आता है, और पहले दिन वो डॉक्टर को इम्प्रेस करना चाहता है कि मैं इसके साथ आया हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं IAS ऑफिसर हूँ या मैं नेता हूँ, और वो उस टाइम बैठ करके प्रेशराइज करते हैं कि आप बहुत अच्छा कीजिए, ये कीजिए, चिंता की बात नहीं है, मैं पैसे तो ये होंगे सब होंगे, लेकिन जैसे ही वो मरीज का इलाज शुरू होता है सारे लोग गायब हो जाते हैं। उस वक्त सिर्फ उसके जो है जो बहुत ही करीब के रिश्तेदार रहते हैं वही रह पाते हैं। आधुनिक ज़्यादातर मैंने ये देखा गया है कि उनकी बेटियां या फिर उनके जो है बहन या फिर उनकी पत्नी वही साथ में रह जाती है, बाकी लोग नहीं रह जाते हैं। तो जब रिश्तेदार या उनके मित्रगण साथ में आते हैं तो उन्हें, दरअसल मैं सोचता हूँ कि उनको पूरा समय उनके साथ देना चाहिए सहायता के लिए, बीच बीच में पूछते रहना चाहिए कि आगे क्या हुआ, क्योंकि कई बार मरीजों को चाहे आप देखें कि फाइनेंशियल ज़रूरत होती है या फिर साइकोलॉजिकल सपोर्ट होती है, वो कहीं ना कहीं देना चाहिए, वो गायब नहीं होना चाहिए उसके लिए। तो ये आवश्यक है कि वो रहे,
उनको पूरा सपोर्ट दें। डॉक्टर भी सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर का अपना एक सीमित समय होता है क्योंकि उन्हें बहुत सारे मरीज देखने होते हैं, तो ये जरूरी है कि वो देखा जाए और विलुप्त ना हो जो भी आए पहले दिन। मैंने तो कई बार देखा है कि बड़े बड़े नेता साथ में आते हैं पहले दिन और दूसरे दिन से गायब हो जाते हैं, ना कुछ पूछते हैं उनको, अगर फोन भी करो तो नहीं मिलते हैं, क्योंकि अगर मरीज को किसी तरह की आर्थिक सहायता की जरूरत है या कुछ और है तो समाज जरूर इसमें मदद कर सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, हमारी समाज बहुत अच्छा है पर उसके साथ में मरीज के लिए भी थोड़ा सा और मदद करना चाहिए। एक बार आपके पास कैंसर पेशेंट आता है तो जैसे कि हमने कहा कि कैंसर पेशेंट एक तो पहले ही कैंसर ये नाम सुन के ही बहुत ज्यादा परेशानी में चला जाता है और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी हो जाता है उस वक्त, ऐसे होता है वो बहुत सारी सूचना अपने मित्रों से या फिर आजकल गूगल से भी सर्च करता है और फिर वो सूचना जो होती है या गूगल सर्चिंग जो होती है उसमें जिस जो कि उसने सर्च किया है वो अपने डॉक्टर से भी डिस्कस करता है आने के बाद, तो क्या इससे जरूर आपका समय बच जाता है, डॉक्टरों का समय क्या इन सब सूचनाओं से बचता है या फिर क्या कह सकते हैं इसे आप? आधुनिक समय में बिल्कुल ये हो गया है कि लोग पढ़ के आते हैं, बहुत सारे लोग जिनको कि थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। आजकल डॉक्टर गूगल और डॉक्टर बाबा तो बहुत हैं आसपास, वो सब चीज़ें बताते रहते हैं कि क्या होता है क्या करना चाहिए। परंतु अगर आप देखते हैं, अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो इन सब की अपनी एक सीमाएँ होती है। अगर आप डॉक्टर गूगल की देखें, जैसे कि आप एक उदाहरण के तौर पर मैं देखता हूँ जो कि आजकल बहुत सहायता होती है, जैसे गूगल मैप है। तो आप क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए अब मुंबई शहर के बारे में आप लीजिए कि कभी ट्रैफिक होता है कभी कहीं कम होता है, तो आप सबसे पहले गूगल मैप खोल कर देते हैं कौन सा रास्ता सबसे ठीक होगा मेरे घर जाने के लिए ऑफिस से। तो आप देखते हैं जिसमें सबसे कम ट्रैफिक है आप वो वाली सहायता लेते हैं। तो गूगल मैप इसी तरह का है, वो आपको अलग अलग रास्तों के बारे में बताता है कि इतने इतने रास्ते हैं, किसी रास्ते में आपको आधा घंटा लगेगा, किसी दूसरे रास्ते में 2 घंटे लगेगा। कभी गूगल मैप आपको कंफ्यूज भी करता है कि जैसे मान लीजिए आपको साउथ बॉम्बे से नवी मुंबई जाना है तो पहले वो आपको ठाणे ले जाएगा, वहाँ से फिर नीचे लाएगा, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है। तो गूगल में जो चीज़ें होती है वो हर चीज़ होती है, उसमें हर रास्ता दिखाया जाता है कि क्या क्या है उसके अंदर। अब ये मरीज कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि मरीज ये सोचता है कि उसके लिए सबसे आसान और सबसे सरल चीज़ सबसे कम पैसे में क्या चीज़ हो सकती है, तो वो उनको डॉक्टर ही दिखा सकता है। तो शुरू शुरू में तो ये होता था जब मैं थोड़ा यंग था तो लोगों को लगता था कि इसको अब पढ़ाया जाए, तो वो लेकर के आते थे खूब सारे बंडल लेकर के, एक रीम्स और रीम्स जिसको कहते हैं ना, कि वो करीब 150-200 पेज प्रिंट आउट लेकर के आएंगे और सामने बैठ के कहेंगे डॉक्टर आप बताइएगा। तो आप कोई 5-10 मिनट में वो 150-200 पेज तो पढ़ नहीं सकते हैं आपको, और ऐसा भी नहीं है कि आपको इस बीमारी के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो बहुत सारे लोग आपको पहले थोड़ा ज्ञान देंगे कि भी इसमें मैंने ये देख लिया है, मुझे इसमें ये चाहिए है, तो डॉक्टर भी थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। और कई बार ये हो जाता है कि डॉक्टर को लगता है ये मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ उसके साथ में, क्योंकि जब मैंने इसको डायग्नोज कर लिया है, जब मैं इसको बता रहा हूँ क्या बीमारी है, तो इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो मुझे नहीं लगता है कि हम में से किसी भी डॉक्टर का समय इसमें बचता है, उल्टा ये होता है कि मरीजों को वो चीज़ें जो नहीं करना है वो भी समझाना पड़ता है कि क्यों नहीं करना है उसके बारे में। दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए डॉक्टर के आप मान के चल रहे हैं कि मैंने गूगल से आपको दिया है कि ये इलाज संभव है, तो डॉक्टर इसमें से एक सिलेक्ट कर ले कि कौन सा इलाज करना है, वो डॉक्टर के लिए भी संभव नहीं होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी डॉक्टर को ये गूगल वाले जो रीम्स हैं या बाबा के रीम्स हैं ये सब चीज़ें लेकर के आते हैं उससे बहुत मदद मिलती। परंतु हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर मानता हूँ कि मरीज को जानकारी हो ये बहुत अच्छी बात है कि क्या क्या संभव है, क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या अच्छा है वो डॉक्टर जो उसको जाँच किया है जो इलाज बता रहा है वो बताएगा। दूसरी चीज़ मैं ये जानता हूँ कि हर चीज़ की अपनी एक सीमा होती है। बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं कि साहब आप तो एलोपैथी का इलाज करते हैं, रेडिएशन से करते हैं, तो आयुर्वेद में मैं जाऊं क्या करें? तो एक तो क्या है, हमें आयुर्वेद का ज्ञान होता नहीं कि हमने नहीं पढ़ा, वो आयुर्वेद डॉक्टर ही सबसे अच्छी तरह से बता सकते हैं कि उनकी क्या है, और हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि जो हम इलाज कर रहे हैं उसमें क्या अच्छा है
और क्या उसकी सीमाएं हैं, जिसके कि क्योंकि हर चीज में कुछ भी आप देखें तो कहीं ना कहीं एक सीमा होती है कि उससे आगे नहीं किया जा सकता है। तो वो एक मरीज को समझना चाहिए कि जब हम बता रहे हैं वो कितना है जो आज के शोध के अनुसार हमको पता लगा है। तो यही कहूँगा, मरीज को ज्ञान होना चाहिए लेकिन जो है बुरा ज्ञान नहीं होना चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए। जी बिल्कुल। जब एक कैंसर पेशेंट आपके पास आता है या फिर जब एक पेशेंट को पता चलता है कि मुझे इस टाइप का कैंसर है, उस वक्त सबसे पहले उसके मन में या फिर उसके फैमिली के मन में आ जाता है कि कैंसर तो है, ये तो मुझे पता चल गया, इस जगह का कैंसर है ये तो पता चल गया मुझे, लेकिन मेरे अभी कैंसर की स्टेज कौन सी है या फिर मेरे लिए अभी और कितना समय बाकी है, मैं कब तक ठीक भी हो सकता हूँ इससे, ये बहुत सारी बातें या बहुत सारी उलझन लेके वो आपके पास आते होंगे, क्या बताएंगे इस बारे में डॉक्टर, इस बारे में क्या दर्शकों को मार्गदर्शन? ये बहुत ही साधारण प्रश्न है और करीब करीब हर मरीज जानना चाहता है कि मेरी स्टेज बताइए। सब कैंसर में लोग स्टेजेस के बारे में बहुत बात करते हैं। दरअसल जो स्टेज बनाई गई है वो डॉक्टरों के लिए बनाई गई, मरीजों के लिए नहीं बनाई गई है। स्टेज होती क्या है अगर आप देखें तो, जिसको हम स्टेज 1, 2, 3, 4 या 5 जो भी कहते हैं वो कह सकते हैं हम, तो ये डॉक्टरों को यह है कि अगर बीमारी जहाँ से शुरू हुई है वहाँ से कितनी दूर तक गई है ये बताता है वो स्टेज। अब कोई भी बीमारी के, हर बीमारी के अपने अपने अलग तरह से होते हैं, वो किस तरह से फैलती है, कहाँ से कहाँ जाती है। तो अगर आप डॉक्टर के बारे में देखें तो अगर मैं किसी दूसरे डॉक्टर से बात करता हूँ कि मेरे पास एक पेशेंट आया है उसको जीभ का कैंसर हो गया, इसको कोई स्टेज 2 है, तो वो स्टेज 2 दूसरा डॉक्टर भी समझ जाए कि स्टेज 2 का मतलब क्या होता है। लेकिन दुर्भाग्य से क्या होगा कि मरीजों को या मरीज के रिश्तेदारों को बड़ा अच्छा लगता है सुनने में कि भाई आप बताइए स्टेज क्या है। तो अगर हम स्टेज 1 या 2 या 3 कहते हैं तो वो स्टेज 1 कहा है उनका ठीक हो जाएंगे, स्टेज 4 कहा तो ठीक नहीं होंगे, जबकि ये सही नहीं है। कुछ एक कैंसर ऐसे हैं जिसके कि स्टेज 4 भी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, कुछ एक स्टेज 1 भी ठीक नहीं होते हैं पूरी तरह से। तो वो अलग अलग तासीर जिसको कहते हैं हर बीमारी की अलग होती है। तो जो स्टेजिंग बनाई है वो डॉक्टर के लिए, वो आपस में किस तरह से बात करते हैं तो उनको समझ में आता है और उस हिसाब से फिर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं क्या है। तो ज़्यादातर मरीज जब मुझे पास आते हैं पूछते हैं कि भाई मेरी स्टेज क्या है, तो मैं कहूँगा अगर मान लो स्टेज 1 है तो आप क्या करेंगे और अगर स्टेज 4 है तो क्या करेंगे। तो स्टेज 1 में क्या मिठाइयाँ बांटना शुरू करेंगे या स्टेज 4 हो तो मातम मनाना शुरू करेंगे? बिल्कुल नहीं है, ये गलत बात है, क्योंकि बहुत सारे स्टेज 4 भी ठीक होते हैं और कई बार स्टेज 1 भी ठीक नहीं होते, इसलिए ये ज़्यादातर पूछने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा प्रश्न है कि लोग पूछते हैं कि भाई मैं, मेरे क्या परसेंटेज है कि मैं ठीक हो जाऊंगा या क्या परसेंटेज है कि मेरे तकलीफें होंगी इसके बाद में। दरअसल कोई भी डॉक्टर जब इस बारे में बात करता है तो वो ये कहता है कि ये हमारी कलेक्टिव स्टडीज है, अगर आपके जैसे 100 मरीज हैं तो उसमें से 90 लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे लेकिन 10 लोग ठीक नहीं होंगे। तो मैं उस बीमारी के आपको बोलूं कि 90% चांस है कि अच्छा हो जाएगा, बट मैं हमेशा मरीज को बोलता हूं कि आपको 99 लोगों से कोई मतलब नहीं है, 99 लोगों को क्या होने वाला है, आपको तो आपसे मतलब है कि आपका क्या होने वाला है। वो किसी भी डॉक्टर को पता नहीं होता है, क्योंकि आप वो 10% में आएंगे जो ठीक नहीं हो रहे हैं या 90% में आएंगे जो ठीक हो जाएंगे, ये तो समय बताता है। तो कोई मरीज मुझसे पूछता है तो मैं कहता हूँ कि इसके बारे में आप ना पूछिए किसी से, क्योंकि ये किसी को पता नहीं है, लेकिन आज से 5 साल बाद 10 साल बाद हम ये कहेंगे भाई आप वो 90% में या 90% में आ रहे थे जो ठीक होने वाले थे, है कि नहीं। तो स्टेजिंग भी अगर आप देखते हैं तो वो दरअसल कोई बहुत मायने नहीं रखती किसी के लिए, वो ज़्यादा महत्व की बात होती है कि वो डॉक्टरों के लिए कि वो इलाज कैसे आइडेंटिफाई करें। अगर मान लीजिए आज की तारीख में हमने एक, जैसे मान लीजिए किसी को स्तन का कैंसर ही है, इस तरह का अगर हम इलाज करते हैं तो 90 लोग ठीक होते हैं, अगर हम उसमें कुछ और ऐड करें तो शायद कई सालों में हमको पता लगे उसमें 95% ठीक होते हैं, तो हम क्या कहेंगे इसमें ज़्यादा लोग ठीक होते हैं तो ये यूज़ करना चाहिए। तो उसके लिए ये सब आंकड़े आते हैं, तो मरीजों के लिए बहुत फ़ायदा नहीं होता उससे, लेकिन उनको चूंकि थोड़ा ज्ञान चाहिए तो बता देते हैं क्या हो सकता है। जी बिल्कुल।
एक बार कैंसर का डायग्नोस हो जाता है और किस प्रकार का कैंसर एक पेशेंट को पता चल जाता है, तो उसके बाद वो थोड़ा कंफ्यूज इसमें होता है कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपने इलाज के लिए जाऊं या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने इलाज के लिए जाऊं। क्योंकि जैसे हमने डॉक्टर पिछले एपिसोड में बात की थी कि कैंसर एक बार पता चलता है तो अपने आप दिमाग में एक फैमिली या उसके पेशेंट के दिमाग में आ जाता है कि अभी मुझे बहुत खर्चा है आगे जाके, चाहे वो कौन सी भी स्टेज हो या फिर कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का कैंसर हो। तो ऐसे में और एक प्रश्न उनके मन में जरूर आता होगा कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाऊं कि मेरा खर्चा कम होगा या फिर मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाऊं। इस कंफ्यूजन को हम कैसे दूर कर सकते हैं? दरअसल देखा जाए तो दोनों में कोई अंतर होता नहीं है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट का हॉस्पिटल यानी शासकीय अस्पताल हो तो भी। बस इतना ही फर्क होता है कि चूंकि जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होते हैं उसमें खर्चा कम होता है उसके, अगर हम उसको तुलना करें तो उसका एक मुख्य कारण ये है कि सरकार जो अस्पताल होती है उसमें सरकार का पूरा योगदान होता है और उसके अंदर सारे मरीजों को देखा जाता है। तो कई आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखेंगे जिसमें कि एकदम टोटली, जिसको हम कहते हैं पूरी तरह से फ्री इलाज होता है, या किसी को थोड़ा सा नॉमिनल चार्जेस लगते हैं, लेकिन ये भार तो कहीं ना कहीं से आता ही है, सभी टैक्स पेयर है जो भी है वो दे रहे होते हैं। अगर हम प्राइवेट अस्पताल की बात करें तो वो एक कॉम्पिटिटिव होता है हॉस्पिटल, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल जो है उसको कोई सरकारी योगदान तो होता नहीं है कि उसके अंदर उनको कुछ सरकार से पैसा मिलता है, तो उनको सारा पैसा उन्हीं मरीजों से इकट्ठा करना होता है जो कि वहाँ इलाज ले रहे होते हैं, इसलिए वहाँ इलाज थोड़ा महंगा होता है। अब सरकारी अस्पताल एक शहर में 10 भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सरकार दे रही है, लेकिन अगर प्राइवेट अस्पताल एक ही शहर में मान लीजिए 5-6 होंगे तो उनके बीच में एक होड़ होती है कि कौन ज़्यादा अच्छा है ये बताने के लिए। इसलिए क्या करते हैं कि प्राइवेट अस्पताल हमेशा जो आधुनिक उपकरण है उनको लेते हैं, और कोई भी आधुनिक उपकरण होगा उसका खर्चा होता है, इसलिए वहाँ थोड़ा सा इलाज महंगा होता है। अन्यथा इन दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। सरकारी अस्पताल में चूंकि ज़्यादातर गरीब लोग भी जाते हैं, अमीर लोग भी जाते हैं, तो भीड़ वहाँ थोड़ी ज़्यादा होती है। प्राइवेट अस्पताल में सिर्फ वही जा पाते हैं जो ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर इलाज में महंगा होगा और यहाँ थोड़ा ज़्यादा होगा, परंतु अभी मैं देखा है कि कई प्राइवेट अस्पताल भी काफ़ी योगदान देते हैं वहाँ पर, जो जैसा मैं पहले बताया था कुछ एनजीओ होते हैं यानी कि गैर सरकारी संस्थान होते हैं वो भी मदद करते हैं, तो मरीज अगर थोड़ा बहुत भी खर्चा उठा सकता है तो वो प्राइवेट अस्पताल में भी जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इलाज एक सा ही होता है, इलाज में कोई अंतर नहीं होता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, वो तो इलाज हमेशा इंसान का होता है। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं कैंसर की, तो बहुत सी बार डॉक्टर ऐसे देखा जाता है कि कुछ कुछ कैंसर का इलाज इतना महंगा होता है कि हर एक पेशेंट उस इलाज तक नहीं पहुंच पाता। तो ऐसे में डॉक्टर क्या कहेंगे आप, इसे कैसे प्रबंध लगाया जा सकता है? आजकल तो देखा जाए तो देखिए दो चीज़ें हैं इसके अंदर, एक तो इलाज काफ़ी उन्नत है, अगर उन्नत इलाज है आप जांच के लिए साधन देखते हैं जिसमें कि निदान के लिए भी नए नए उपकरण आए, जैसे सीटी स्कैन, एमआर और पेट स्कैन, और आगे भी आ रहे हैं, इलाज के लिए भी नए नए उपकरण आए हैं, आप चाहे देखिए तो चाहे रोबोटिक्स देख लीजिए ऑपरेशन के लिए या रेडिएशन के लिए, अच्छे बड़े बड़े लीनियर एक्सलेटर, प्रोटोन थेरेपी, ये बहुत चीज़ें आई हैं इसके अंदर, तो बिल्कुल ये लाजमी है कि इसके अंदर जो है खर्चा तो बढ़ेगा क्योंकि कोई भी उपकरण आया हुआ है और आगे आपको और आगे भी और अच्छा करना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं से पैसा आना चाहिए। अब हिंदुस्तान में आप देखते हैं तो कई बार जो है, एक तो ये होते हैं जैसे मैंने कहा कि गैर सरकारी संस्थान होते हैं, एनजीओज होते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से मदद कर रहे हैं, बहुत सारे मरीजों को उसको योगदान देते हैं कि अगर मान ले कहीं आवश्यक हो तो वो देते हैं। दूसरा, बहुत सारी सरकारी योजनाएं भी आ गई हैं जिसके अंदर मरीजों को काफ़ी कुछ, जो विशेष स्तर पर जो कि जिसको हम कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन या इनके लिए, वो जो है कहीं ना कहीं से मदद करते हैं, तो वो चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो या गवर्नमेंट अस्पताल उसके अंदर मदद करते हैं। अभी काफ़ी दिनों से जैसा कि आप देखते हैं कि जैसे अमेरिका में करीब करीब हर आदमी एक इंश्योरेंस लेकर के रखता है, हेल्थ इंश्योरेंस, कि भाई अगर कहीं भी आवश्यक हुआ तो वहाँ से कुछ मदद मिल सकती है, और इसको कहते हैं ना ये जैसे कैशलेस पेमेंट, तो वो भी एक है। तो मेरे ख्याल में यह है कि करीब हर आदमी को अपने स्वास्थ्य के विषय में थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए, शुरू से ही इस तरह का कुछ करना चाहिए कि
अब कैंसर की ज़्यादा बात करते हैं, ज़्यादातर ये उस उम्र में होते हैं जबकि ढलती उम्र कहलाती है ना, जिसमें कि बुढ़ापा आने लगता है ऐसे में। तो कहीं ना कहीं से लोगों का अपने इंश्योरेंस के बारे में ये सोच के रखना चाहिए कि अगर लगा तो हम ये ले सकते हैं, उससे बहुत मदद मिलती है। तीसरी चीज़ है जो कि मैं सोचता हूँ कि हर आदमी को थोड़ा थोड़ा बचत तो करना चाहिए। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में, खासतौर पर जब हम हिंदुस्तान में बात करते हैं, हमें शुरू से ही सिखाया जाता है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ी सी बचत करते रहें। मैं जब छोटा था तो हमारे घर में जिसको गुल्लक कहते हैं उसमें ही बच्चों को सिखाया जाता था, तो कुछ पैसा डालो, जब जरूरत पड़े उसको फोड़ के आप ले लो। तो कहीं ना कहीं हमें बचत करना चाहिए इसके बारे में। जी, आज के कार्यक्रम के बाद आप जनसामान्यों के लिए कोई संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि हमको जागरूक होना चाहिए कि क्या संभव है, क्या हो सकता है। थोड़ा थोड़ा भी अगर हम इसके विषय में अगर सोचें कि अगर मान लीजिए हमें शायद किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है कुछ सालों बाद, 10, 20, 25 सालों बाद, अगर हम उसके लिए थोड़े से जागरूक रहेंगे तो हमें इतनी परेशानी नहीं होगी। और दूसरी ये है कि जब आप किसी से सलाह लें तो ऐसे आदमी सलाह लें जिसको कि थोड़ा सा ज्ञान हो उसके बारे में। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जो वो कहते हैं कि अरे साहब इसके अंदर तो ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, और जब पूछते हैं कि ये आपको बताया किसने, कहेंगे वो पड़ोसी ने, या कहेंगे कि हमारे रिश्तेदार में किसी में कैंसर हुआ था, बट वो कैंसर बिल्कुल ही अलग तरह का हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कैंसर का वही इलाज इनके लिए भी लागू होगा। कई लोग कहते हैं कि नहीं, रेडिएशन से बहुत डर लगता है क्योंकि हमारे अंकल को कैंसर हुआ था और बेचारे वो ठीक नहीं हुए इसमें। तो ये कैंसर जिसको हम हमेशा कहते हैं कैंसर, लोग एक नाम लेते हैं, देखा जाए तो ये पूरा जो है हर बीमारी एक अलग किस्म की होती है। जैसे कि आप चाहे टाइफाइड देखें, मलेरिया देखें, ये अलग अलग बीमारी है। इसी तरह हर तरह का कैंसर एक अलग बीमारी है, उसका इलाज अलग होता है, उसकी परेशानियां अलग होती हैं, उसके साइड इफेक्ट अलग होते सकते हैं, उसका ठीक होना अलग हो सकता है। तो ये किसी ऐसे आदमी से ही पूछना चाहिए जिनको इस विषय में थोड़ा ज्ञान है, अन्यथा लोग भटकते हैं, लोग परेशान होते हैं और कहीं ना कहीं हम वो खो देते हैं। हमें बहुत आवश्यक है कि हम अपने परिवार वालों को इस बीमारी से खोए नहीं और उनको ठीक करें। और ये पूरा परिवार अगर जागरूक है, पूरा समाज अगर मान ली इस विषय में जागृत है, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं कि कोई ठीक नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, अगर एक कैंसर पेशेंट को पता चलता है कि उसे कैंसर है तो उसका परिवार और उसके मित्रगण अगर उसको साथ दे तो जरूर वो इस बीमारी से, और बहुत अच्छा डॉक्टर या बहुत अच्छा विशेषज्ञ उसके साथ हो, तो जरूर वो इस कैंसर से भी बाहर निकल सकता है। डॉक्टर, आज आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया डॉक्टर, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। इनमें ट्रैवल के इस फेसबुक पेज पे हम रोज दोपहर 3 से 5 बजे के बीच लाइव आने वाले हैं, अलग अलग कैंसर तज्ञ डॉक्टरों को लेकर। एचसीजी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के अलग अलग कैंसर तज्ञ डॉक्टर हमारे साथ रोज दोपहर 3 से 5 बजे लाइव आएंगे इस कार्यक्रम में, और अलग अलग कैंसर के विषयों पर हमारे साथ चर्चा भी करेंगे। अगर आपको कैंसर से लेके कोई जानकारी डॉक्टर से पूछनी है या फिर सवाल कोई डॉक्टर से पूछने हैं तो जरूर आप हमारे इस लाइव कार्यक्रम के दौरान हमें कमेंट्स कीजिए, हम आपके हर एक सवाल डॉक्टर से पूछने की जरूर कोशिश करेंगे। और अगर इनमें ट्रैवल की ये पहल आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा यूट्यूब चैनल है जो इनमें ट्रैवल, उसे सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिए। इनमें ट्रैवल एक ऐसी मेडिकल टूरिज्म कंपनी है जो अब तक 500 से अधिक मरीजों का इलाज बेहतरीन तरीके से बनी है, वो कम से कम पैसों में और बहुत अच्छे तरीके से इलाज करने में बहुत अच्छी तरह से साबित हो चुकी है। तो आप इनमें ट्रैवल की ये पहल पसंद करते हैं और हमारा ये शो पसंद करते हैं तो आप इसे जरूर लाइक कीजिए और जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।